मेरी बात चार आदमी की सरकार है, अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, मैं हूँ मोदी, अमित शाह। चार भैया हमको 100 रुपया देता है, अब 500 ऐसे करके खींच जाता है, 500 पीछे से पकड़ के ले लेता है, क्या मानेंगे उसका? प्रोटेस्ट खत्म कर दो। इसमें भी घोटाला है, इसमें ये जो बना है ना, इसमें बहुत घोटाला है। हमारे नेता के हिसाब से ये नहीं बना है। 15-15 लाख की 15-15 हजार रुपया माता और बहने खातिन खाता खोलवा खातिन बढ़ाई चट्टी पर चप्पल को नोनिया मार के देनी। स्मृति ईरानी जो लंदन पेट में बांध के घूम रही थी, ये बहुत महंगा हो गया है। आज 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 1000 का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल भाव से पार। युवाओं का जोश एकदम लगातार देखने को मिल रहा है कि भैया हम चाहेंगे तो अखिलेश जी को, लेकिन अखिलेश जी के सम्मान में लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि नहीं, अखिलेश यादव जी भगवान है, लेकिन सबसे बड़ा काम देखा गया तो योगी जी की सरकार में हुआ। कुछ ना भैया, खाली बस झूठ बोलल गया। ये जितना मतलब हम आन की भारत में ये लोग योगी या मोदी जितना बना खाली झूठ बोलल गए, कोनो काम ना कैले, कहीं कोनो काम ना कैले। ये जो आप जिस हाईवे पर खड़े हैं, हाईवे हाईवे का तो उद्घाटन योगी अखिलेश का दे आला, अखिलेश का दे आला। नया कहीं काम अगर होकर तो आप मीडिया वाला हैं, अगर कोई अगर नया काम चाहे नया कोनो एक योजना मतलब मोदी या योगी बनौले हों तो आप भी मतलब यही धरती का आप भी हैं, बता सकिन है आप। अच्छा ये बताइए, जैसे आप कहकर का नाम ही है कि अखिलेश जी जितना काम के लिए ना, उससे कहीं ज्यादा योगी जी काम कुछ नहीं कही। अखिलेश यादव जी भी जब शुरुआत में लाटा बट रहे ना, तो उस समय जो योगी जी भी लाटा बांटते हुए जनधन खाता। रुक जाए, रुक जाए, आप लोग सुनिए भाई साहब, जनधन खाता खोलवा वाला 15-15 लाख की 15-15 हजार रुपया माता और बहने खातिन खाता खोलवा खातिन बढ़ाई चट्टी पर चप्पल के नोनिया मार के देनी। कौ पैसा आयल खाता में, आयल कौ पैसा? योगी मोदी दिले वहाँ जवन तू पैसा बेहन बोटी भला चोरा के अपन मला रखवा ले, वो के मोदी खिंचवा ले। तो सब तो कहते रहे कि काला धन वापस आ गया। हाँ तो वह काला धन सब जाके लाइन में खड़ा भैया, वो काला धन होला वो काला धन होला ना। 400 का सिलेंडर जब बिक रहा था 14 में, तो इसकी स्मृति ईरानी जो सिलेंडर पेट में बांध के घूम रही थी, ये बहुत महंगा हो गया है। आज 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 1000 का बिक रहा है, 1000 का सिलेंडर बिक रहा है। गरीब आदमी भरा सकता है उसको? 10 आदमी खाने वाला घर में हो और फ्री 1000 का सिलेंडर कौन चलेगा? फ्री ऐलान किए हैं, कौन दिन चलेगा सिलेंडर? फ्री मिलेगा। आज मैंने चूल्हा का जाए ना 400 रुपया लेते हैं, पेट्रोल डीजल 100 से पार, 60-70 रुपया बढ़ाया, 10 रुपया फरसा कर दिया। बढ़ाया क्यों? 14 में था 72 रुपया लीटर, उसके ऊपर इतना बढ़ाया क्यों? 10 रुपया फरसा कर दिया, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भैया? इसको 72 रुपया ले आओ, 72 रुपया पेट्रोल ले आओ, अब 52 रुपया डीजल को ले आओ, तब सही हम मान लेंगे। बताइए जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं 10 रुपया कम ही हुआ है, लोगों का कहना है कि उसी पैसे से तो रोड बन रहा है। अरे जनता का पेट काट के रोड बनाएगा तो टैक्स क्या लेता है? टोल टैक्स क्या बनाता है? उससे नहीं बनता है। टोल टैक्स क्या लगाता है? जब जनता के पैसे से बना, अरे भैया हमको 100 रुपया देता है, अब 500 ऐसे करके खींच लेता है, 500 पीछे से पकड़ के ले लेता है, क्या मानेंगे उसका? टोल टैक्स खत्म कर दो। कोनो मतलब ना, टोल टैक्स खत्म कर दो, हम मान लगे हमारे पैसे का रोड बना हुआ है। भैया किसान की जो महंगाई पूछा, लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी ज्यादा अधिक से अधिक भर्ती हो गई है। कोई भर्ती नहीं है, होल्डिंग पे है, पढ़ लिख के लड़का है, सरकार है, सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी की, होल्डिंग करती है दिल्ली में। हमने उत्तर प्रदेश में करोड़ों जनता को भर्ती कर दिया, रोजगार दे दिया, कागज पे इसमें भी घोटाला है, इसमें ये जो बना है ना, इसमें बहुत घोटाला है।
हमारे नेता के हिसाब से ये नहीं बना है। अच्छा ये बताइए, अभी बताइए जो जो आपके साथ अली बस चार आदमी की सरकार है, अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, मैं हूँ मोदी, यही चार पतियों की चौकीदार हो या उसी का ये सरकार है, और जनता के लिए सरकार ये नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला है इस बार योगी सरकार में? हमको पता है कि आज क्या मिल रहा है और इसके पहले पाँच साल में क्या मिला है और आगे क्या मिलेगा, क्या हमको पता है, है ना। आखिर सरकार देखिए, सरकार जो सरकार है ना, इस पिछले पाँच साल में जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे सीनियर है, वो सीनियर लोग पढ़ लिख के घर पे बैठ गए हैं, वो पढ़ लिख के इलाहाबाद में जाके लखनऊ जाके पढ़ लिख के बैठ गए हैं। 2017 की जो इधर मेरी बात सुनिए, 2017 की जो जेई का पेपर था वो अभी रुका हुआ है, 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर था वो अभी तक रुका हुआ है, आर्मी का जो आर्मी जो वैकेंसी आई थी तीन साल बाद वैकेंसी आई थी जो बच्चों के, हमारे गांव के बच्चे सी पास किए हैं, एनसीसी सी लिए हैं, घर बैठे उनकी उम्र खत्म हो रही है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है, है ना। सबसे बड़ी बात बेरोजगारी, जितने भी युवा लोग हैं, लड़की जितने हैं, सबको आखिर हम लोग पढ़ते लिखते क्यों हैं? जॉब करने के लिए, माँ बाप का सपना पूरा करने, अपना सपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जब सरकार हमारा साथ ही नहीं देगी तो हम पढ़ लिख के करेंगे क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो बहुत पढ़ लिख के, जैसे हम बता दें अधिकतर लोग करते हैं क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ पढ़ लिख के, बताइए हमारे यहाँ से इस प्राइवेट स्कूल से पढ़ के लोग सरकारी इंजीनियर बनते हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के पॉलिटिक्स में जाते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट्स है, सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन एक आम जनता क्या है, हमारे गांव के विकास, हमारे हर गांव के एक बच्चे का जुनून है कि हमें आर्मी में जाना है, है ना, आर्मी में जाना है, लेकिन आर्मी की वैकेंसी भी तो आनी चाहिए ना, आखिर क्यों नहीं, बेरोजगारी को देखना चाहिए ना। लोगों का कहना है कि इस बार जो कोरोना वायरस था इसीलिए रोजगार नहीं आया। अच्छा कोरोना वायरस जब नहीं हुआ था, भारत सरकार नोटबंदी भी की थी और कही थी, ये भी कही थी भारत बेरोजगार, आज किसानों के ऊपर आज किसान कितने साल से बताया आंदोलन कर रहे हैं, कितने महीनों से, क्या सरकार उनको कोई फायदा दे रही है? सर किसान कितने किसान को मार दिया गया, है ना, कोई कार्रवाई हुआ?